लेकिन आपको कपिल सिब्बल इनको ज्यादा झाड़ते हुए अभी आपने कब ने देखा नहीं कि राइट विंग और लेफ्ट विंग का मामला नहीं है ये। मेरा तो सवाल है कि आप ये क्या कह रहे हैं कि सरकार के पास वो नहीं है और इधर से आप, इसका मतलब है कि इस विंग को एक्सपोज करना आप चाहते हैं, तो उसका उसके लिए आप एग्जाम्पल दे रहे हैं कि सो कॉल्ड जो दूसरा विंग है उसके पास कोई लुमिनरी लॉयर्स है ही नहीं। ये आप बताओ, हाँ उनका क्या है मालूम है ना, उनका देशभक्त लोगों के लिए अच्छे वकीलों का टीम, ये सरकार बोलो या देशभक्त जो लोग होंगे, जो देशभक्ति के जो लीडर होंगे, ये लोग नहीं खड़े कर पाए ज्यादा बड़ा। मतलब वकील है, ऐसा नहीं कि देश के हित में लड़ने वाले वकील हैं, कई वकील है, लेकिन ऐसा बड़ा टीम जो ऐसा स्ट्रांग और यूनाइटेड ऐसा एफर्ट वो नहीं कर पाए, ये मुझे ऐसा इतने दिन के मेरे अनुभव में। इसका मतलब है कि फॉर द सेक ऑफ द सोसाइटी, फॉर द सेक ऑफ द ट्रुथ एंड जस्टिस, ये आप कह रहे हैं ना। हाँ, देशभक्ति का मतलब तो यही है ना। यस यस, देश की तरक्की के लिए सर, देश के हित के लिए लड़ने वाले। और ये जो बाकी का जो ग्रुप है, तरक्की कैसे होगी जब जस्टिस और सत्य की बात होगी, यही है ना। यस, हर एक को जस्टिस, इक्वल इक्वल जस्टिस फॉर ऑल रहेगा। तो दैट इज दी, बहुत बढ़िया। तो आज पूरा देश माननीय चीफ जस्टिस जी से ये सवाल पूछ रहा है, और इसी के बहाने आज जो कानूनी दांवपेच और कानूनी खेल कैसे कैसे चल रहा है उसके बारे में हमने आपको बताया। अब मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि इस वीडियो को, मुझे मालूम है कि वाइब नेटवर्क के सारे वीडियो को सप्रेस किया जा रहा है क्योंकि हमारी लड़ाई बहुत ताकतवर लोगों से है, लेकिन अगर आप खड़े हो जाएंगे तो ये लड़ाई हम किसी भी सूरत में जीतेंगे, क्योंकि क्यूआईप नेटवर्क सत्य और न्याय की लड़ाई के प्रति पूरी तरह से समर्पित है। तो हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एक्स पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, रंबल पे, बिटचिट पे, सारे नेटवर्क पे हम अवेलेबल हैं। QI.in भी फॉलो करिए, प्रकाश TV.in भी फॉलो कीजिए, और इस वीडियो को आप मुख्य न्यायाधीश तक पहुंचाइए, प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचाइए, ये मेरा आपसे अनुरोध है। हम भी कोशिश कर रहे हैं, आप भी कोशिश कर रहे हैं, और मैं सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट के सभी माननीय आदरणीय जजों से आग्रह कर रहा हूं कि आप इस वीडियो को देखिए, हमारी कोई आपसे दुश्मनी नहीं है, हम तो न्याय और सत्य के लिए आपके सामने कुछ सवाल खड़े कर रहे हैं, और नीलेश जी भी सवाल ही खड़े कर रहे हैं, कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, कोई व्यक्तिगत राग अनुराग नहीं है, सवाल खड़े कर रहे हैं फॉर द सेक ऑफ द सोसाइटी एंड फॉर द लार्जर इंटरेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश जी, कुछ बोलना चाहते हैं? यही सिस्टम को, हमारा उद्देश्य है कि ये सिस्टम ट्रांसपेरेंट और मजबूत बने बस, और देश तरक्की करे, और ऐसी तरक्की करे सारी दुनिया देखते रहे, मतलब तेरा वैभव अमर रहे मां हम दिन चार रहे ना रहे, यही हमारे भारत माता का वैभव गौरव हमेशा बढ़े, बस यही हमारी कामना है, इसी के लिए हम काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश ओझा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कल रात 9 बजे इंडिया डिबेट में हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आशुतोष कर्म दीजिए, नमस्कार। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है, इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा, जोवर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1,000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है।